हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज 25 अगस्त 2020 को पीएमएस ने पाकिस्तान स्टडीज का पेपर मुनक्किद किया था। पीएमएस के इस पेपर में पाकिस्तान स्टडीज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं, वो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन पेपर की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर आप ई टेस्ट चैनल पर नए हैं तो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे सामने पाकिस्तान स्टडीज पीएमएस पेपर 2020 मौजूद है। इस पेपर में सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस को देख लें कि इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी लिखी हैं। पहली इंस्ट्रक्शन है, ऑल द पार्ट्स ऑफ ईच क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड एट वन प्लेस इंस्टेड ऑफ एट डिफरेंट प्लेसेस। इसका मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसका जवाब एक ही जगह पर लिखेंगे। इस तरह नहीं होगा कि आप क्वेश्चन नंबर वन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आधा क्वेश्चन आपने पेपर के स्टार्ट में लिख दिया है और आधा पेपर के एंड में। अगर आप क्वेश्चन वन शुरू करेंगे तो उसे कंप्लीट करने के बाद ही अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दूसरी इंस्ट्रक्शन है, राइट क्वेश्चन नंबर इन द आंसर बुक इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन नंबर पेपर पर दिया गया है, आंसर शीट पर आप वही क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करते हैं तो आप आंसर शीट पर क्वेश्चन नंबर 3 ही लिखेंगे, ना कि आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। आंसर शीट पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, लेकिन आप इसको मेंशन क्वेश्चन नंबर 3 ही करेंगे। या आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करते हैं सबसे पहले तो उसको पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 ही मेंशन करेंगे। क्वेश्चन इसमें अब तीसरी इंस्ट्रक्शन है कि नो पेज स्पेस बी लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन दी आंसर्स, ऑल द ब्लैंक पेज ऑफ आंसर बुक मस्ट बी क्रॉस्ड। आप जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखते हुए कहीं पर भी खाली जगह नहीं छोड़ेंगे। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से एंड तक आपके आंसर में किसी किस्म की ब्लैंक स्पेस मौजूद ना हो। चौथी इंस्ट्रक्शन है, इसमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ऑफ एनी क्वेश्चन और एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल नॉट बी कंसीडर्ड। जितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने का कहा गया है उससे ज्यादा अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो वो शुमार नहीं किए जाएंगे, उसके नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद मेन इसमें जो इंस्ट्रक्शन है, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 8 विच इज कंपल्सरी अटेम्प्ट इन उर्दू और इंग्लिश। इसमें कहा गया है कि टोटल सवालात की तादाद 8 है, इन 8 सवालात में से आपने कोई से 5 सवालात हल करने हैं। इन 5 सवालात में से जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां सवाल है, वो लाजमी है, और बाकी 7 सवालात में से 4 सवाल आप अटेम्प्ट करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, इसका जवाब, इसका आंसर आप इंग्लिश या उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप किस लैंग्वेज में बेहतर पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप उस लैंग्वेज में पेपर को अटेम्प्ट करें। मेरी आपको सजेशन है कि पीएमएस या सीएसएस, इसका कोई भी पेपर आप अटेम्प्ट करें तो कोशिश करें इसे इंग्लिश में अटेम्प्ट करें। अब एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्योंकि इनको सॉल्व करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इनको इनके सॉल्यूशन के लिए 4-5 घंटे दरकार हैं। क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, इसे बाद में आप अपने तौर पे तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द रोल एंड एफर्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, तमाम क्वेश्चन 20 नंबर के हैं, टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2, अलीगढ़ मूवमेंट इंजेक्टेड अ न्यू लाइफ इन द डेड बॉडी ऑफ द मुस्लिम नेशन एंड हेल्प टू रेन इट्स लॉस्ट ग्लोरी एंड प्रेस्टीज डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 3,
एग्जामिन अल्लामा इकबाल कंसेप्ट ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन द लाइट ऑफ अलाहाबाद एड्रेस। क्वेश्चन नंबर फोर, असेस द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन पाकिस्तान सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कम्पलेशन। क्वेश्चन नंबर फाइव, गिव रिकमेंडेशन टू पाकिस्तान टू मेक सार एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एट रीजनल लेवल कीपिंग इन व्यू सक्सेस ऑफ यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 सेटिस्फाइड बोथ ऑर्थोडॉक्स एंड मॉडर्निस्ट बाय कंबाइनिंग द फीचर्स ऑफ वेस्टर्न एंड इस्लामिक डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर सेवन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ये तीन क्वेश्चंस दिए गए, इनमें से आपने किसी दो पर मुख्तसिर नोट लिखना है। पहला है प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, बी ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, सी ऑप्शन है वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। ये तीन क्वेश्चंस हैं, इनमें से किसी दो पे आपने नोट लिखना है। व्यूवर्स यहाँ पे नोट कर लें एक बात कि आप जितना भी पीएमएस या सीएसएस के पेपर्स में लिखेंगे उसमें ये चीज मैटर नहीं करती कि आपने कितना ज्यादा लिखा है, ये चीज मैटर करती है कि आपने कितना क्वालिटेटिव लिखा है और आपकी राइटिंग कितनी क्रिएटिव है। जितना ज्यादा आप क्रिएटिव और क्वालिटेटिव लिखेंगे और अपने आर्गुमेंट्स को डिफेंड करेंगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, उतने ज्यादा पीएमएस को सीएसएस को क्लियर करने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। अब इसके बाद दूसरा जो सेक्शन है, दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्टिव का। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ आते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स है, ये 10 फिल इन दी ब्लैंक्स है और हर फिल इन दी ब्लैंक्स 2 नंबर की है क्योंकि तकरीबन हर फिल इन दी ब्लैंक में 2 ब्लैंक्स हैं, तो अगर आप इसमें से कोई एक भी मिस्टेक करेंगे तो वो 1 नंबर आपका कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन है, अंजुमन हमायते इस्लाम फाउंडेड इन द ईयर 1889 इन द सिटी ऑफ लाहौर। अंजुमन हमायते इस्लाम की बुनियाद जो है ये 1884 में लाहौर में रखी गई। अंजुमन हमायत इस्लाम ये वही तंजीम है जिसे जिसकी बुनियाद खलीफा हमीदुद्दीन ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर टू, मुस्लिम लीग डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड इन मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, मिंटो मार्ले इस्तलाहात जिन्हें कहा जाता है, इन द ईयर 1909 1909 में ये डिमांड की गई थी। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन द ईयर 1960 1916 ज्वाइंट सेशन ऑफ AIML ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस वर हेल्ड एट लखनऊ। क्वेश्चन नंबर फोर, पोस्ट खिलाफत एरा हैड सीन द लॉन्चिंग ऑफ टू हिंदू मूवमेंट्स डैश एंड डैश अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये 2 हिंदू मूवमेंट्स थी जो तहरीके खिलाफत के अगेंस्ट थी। इन दो जो मूवमेंट्स थी हिंदुइज्म की, इनका नाम, एक तंजीम का नाम शुद्धि मूवमेंट था और दूसरी तंजीम का नाम संगठन मूवमेंट था। ये तो दोनों हिंदू तंजीमें जो थी तहरीके खिलाफत के खिलाफ थी। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन द ईयर 1932 कम्युनल अवार्ड वॉज पास्ड एंड इन द ईयर 1876 फर्स्ट इंडिया एक्ट वॉज इनएक्टेड। 1876 में पहला इंडियन एक्ट जो था वो इनएक्टेड हुआ था। पहले इसमें पहली फिल इन दी ब्लैक्स में 1932 आएगा और दूसरी फिल इन दी ब्लैक्स में 1876 आएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज डैश एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज डैश। पाकिस्तान के जो जो आखिरी गवर्नर जनरल थे वो सिकंदर मिर्जा थे और पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट पहले सदर भी सिकंदर मिर्जा थे। इन दोनों फिल इन दी ब्लैंक्स में सिकंदर मिर्जा आएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ सीटो इन द ईयर डैश एंड साइंड द बगदाद पैक्ट इन द ईयर डैश।
पहली फिल इन दी ब्लैंक्स में 1954 आएगा और दूसरी फिल इन दी ब्लैंक्स में 1955 आएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, सॉरी क्वेश्चन नंबर एट है, हदूद ऑर्डिनेंस वाज प्रोमोगलेटेड बाय जियाउल हक रिजाइन इन द ईयर 1979। पहली फिल इन दी ब्लैंक्स में जियाउल हक, दूसरी फिल इन दी ब्लैंक्स में 1979। क्वेश्चन नंबर फिल इन दी ब्लैंक जो है ये नौवे नंबर पे है, ऑन अगस्त 5, 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबॉलिश्ड आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन 24 मार्च 2020 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान अनाउंस्ड 900 बिलियन वर्थ ऑफ इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज इन द वेक ऑफ कोरोना पेंडेमिक। जी व्यूवर्स, ये फिल इन दी ब्लैंक्स थी और कोशिश की है कि जितना पॉसिबल हो सके आपको सही आंसर प्रोवाइड किए जा सकें। ये तमाम आंसर्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको वाजे ना हो तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इन आंसर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इनमें से कोई आंसर गलत लगे, मिस्टेक लगे इसमें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें गाइड कीजिएगा। आपकी फीडबैक जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी वीडियोस में मजीद बेहतरी ला सकें। व्यूवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।